लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जिनके कॉमन नेम और आईपैक नेम देखेंगे। आज हमारे पास में और कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आइए इनके भी कॉमन नेम और आईपैक नेम डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास में दो कार्बन है और दोनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथाइलीन ग्लाइकॉल, एथाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम में देखेंगे दो कार्बन है तो इथेन है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इथेन 1,2-diol। ठीक है, 1,2 दोनों पे लगा हुआ तो 1,2 कर देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सॉर्बिटॉल होता है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा सॉर्बिटॉल। क्या है इसमें देखेंगे, यहाँ पे अपने पास एक कार्बन है, दो कार्बन है और यहाँ पे जो है होल फोर है, यानी कि चार कार्बन है और चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे हुए उनके ऊपर, यानी कि टोटल छः कार्बन है और छः के ऊपर सबके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो उसे सॉर्बिटॉल बोलेंगे। आईपीसी नेम अगर आप इसका लिखते हैं तो छः कार्बन यानी कि क्या है, हेक्सेन है ना, हेक्सेन। उसके बाद में यहाँ पे हर एक कार्बन पे लगा हुआ है, यानी कि क्या करोगे आप, 1,2,3,4,5,6 है ना, और कितने हैं हमारे पास में अल्कोहल, तो हेक्स छ है ना, तो हेक्स ऑल, हेक्स ऑल। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, डाई ऑल है ना, तो वैसे ही हेक्स ऑल, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्स ना लिखे हेक्सा लिखेंगे तो बेटर रहेगा, हेक्सा ऑल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बस ठीक है, हेक्सा ऑल हो जाएगा। उसके बाद में इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये है अपना बेंजाइल पोजीशन पे एल्कोहल लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम के लिए देखेंगे कि ये हमारे पास में क्या है, एक मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है, या फिर मिथेनॉल है, और इस मिथेनॉल के ऊपर हमने रिंग लगा दिया है, बेंजीन रिंग लगा दिया है। चूंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से बाहर है, रिंग से बाहर वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बेंजीन ना बोल के इसको फेनाइल बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा फेनाइल, फेनाइल मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल। ठीक है, तो ये केस हमें याद रखना है कि जब रिंग के बाहर फंक्शनल ग्रुप हो है ना, या फिर रिंग के बाहर मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर रिंग के बाहर इतने कार्बन हो जाएं कि रिंग के कार्बन से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे छः कार्बन है तो बाहर आपने सात कार्बन लगा दिए, तो ऐसे केस में जो रिंग होती है उसको हम बेंजीन ना बोल के फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे केसेस में आप इसको बेंजीन ही बोलिए, अगर इसके जस्ट ऊपर ही लगा हुआ है तो उसको बेंजीन बोलेंगे, लेकिन अगर बाहर कार्बन एक लगा हुआ है उसके ऊपर है तो फिर ये बात अप्लाई होगी। ठीक है ना, आगे देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, इसका जो कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए इसको क्या कर सकते हो आप, ये कह सकते हो कि भाई ये अपना अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, तो कॉमन नेम में इसको बोल देंगे बीटा फिनाइल, बीटा फिनाइल, और फिर ये एथाइल एल्कोहल है अपना, बीटा फिनाइल एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम इसका है ना, तो ये एक एथाइल एल्कोहल है ना, इस पे 1 और 2 सेकेंड पोजिशन पे फेनाइल लगा हुआ है, तो आईयूपीएसी नेम में क्या लिखेंगे, टू फेनाइल ये पी कैपिटल कर देंगे, टू फेनाइल इथेनॉल। तो ये हो जाएगा अपना कॉमन, इसका कॉमन नेम ये देखेंगे जरा, तो यहाँ पे देखिए पहले कॉमन नेम, ठीक है कॉमन नेम, तो ये है क्या, ये बेसिकली एक इथेनॉल ही है जिसपे अल्फा पे फिनाइल रिंग लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा फिनाइल और इथेनॉल। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे, आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करेंगे, हाँ तो कॉमन नेम के लिए इथेनॉल ना लिख के क्या लिखेंगे, एथाइल एल्कोहल है ना, क्योंकि हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो एल्कोहल के फॉर्म में लिखा जाता है एल्कोहल। और आईपीसी नेम में क्या हो जाएगा, ये 1,1,2,3 बोलते हैं आईपीसी में ना, तो 1,2 तो फर्स्ट पोजिशन पे लगा हुआ है, तो 1 फिनाइल
और इथेनॉल, ठीक है चलिए इसको देते हैं। तो फिनॉल है, सिंपल है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिनॉल है, उसके बाद में इधर आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ऑर्थोक्रिसॉल, 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 ठीक है। थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, नहीं कट जाएगा। कॉमन नेम इसका हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है ना। अगर हाइड्रोक्सी और मेथाइल दोनों एक ही रिंग पे होते हैं तो उसको क्रिसॉल बोला जाता है ना। ये क्या हो जाएगा, ये अपना मेटा क्रिसॉल है ना, मेटा क्रिसॉल। और ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम पैरा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। अब इनके सबके आईयूपीसी नाम देख लेते हैं तीनों के, ठीक है। तो इसका आईयूपीसी नेम, आईयूपीसी नेम इसका, ठीक है। तो देखिए ये एक फिनॉल है जिसपे सेकेंड पोजिशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे, टू मेथाइल, टू मेथाइल फिनॉल, ठीक है। और ये क्या है, वन टू थ्री, थ्री मेथाइल है ना, इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, थ्री मेथाइल और फिनॉल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, फोर पे लगा हुआ है तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा अपना फोर मेथाइल फिनॉल, फिनॉल। और ये क्या है, ठीक है, इसका जो कॉमन कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, ज़ाइलेनॉल, ज़ाइलेनॉल। वैसे इसके आपको जरूरत पड़नी नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। ज़ाइलेनॉल इसका कॉमन नेम होता है। और आईयूपीएसी नेम तो बहुत आसान है ना, ये एक फिनाइल रिंग है, फिनाइल मतलब ये एक फिनॉल है और उसके ऊपर दोनों तरफ मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो क्या हो जाएगा, टू कॉमा सिक्स है ना, डाइमेथाइल, डाइमेथाइल और फिनॉल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसका देखेंगे, ठीक है, ये है रेसोर्सिनॉल, ये है अपना कैटेकॉल, ठीक है। रेसोर्सिनॉल हमारा यहाँ पे नहीं बना हुआ है, ठीक है। रेसोर्सिनॉल में क्या होता है ना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। रिसोर्स ये 11, तो 11 ए मैं बोल देता हूँ और ये रिसोर्सिनॉल बना देता हूँ, ये लीजिए, है ना। जब मेटा पे होता है तो उसको रिसोर्सिनॉल बोला जाता है, तो यहाँ पे ऐसा हमने नहीं बनाया पहले से, ठीक है। तो इसको देखिए, ये तो ये केस का कॉमन नेम क्या होता है, कैटेकॉल, कैटेकॉल, ठीक है। और जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, 1.2 है ना, डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और बेंजीन, ठीक है। और ये रिसोर्सिनॉल है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 1.2.3 है ना, 1.3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी क्या, बेंजीन है ना, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है।